दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं गांव में। सुबह का 8 बज चुके हैं, जो कि आज देवी सामने पुजाई है और हम लोग पुजाई की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से, क्योंकि अभी सोकर उठे हैं तो फटाफट अपना पूजा वूजा की तैयारी में लगे हुए हैं, जो कि और सब लोग गाँव का लड़कन लोग सब जुड़े हुए हैं। एकजुट होकर के हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं और समथिंग 12 बजे के आसपास में पूजा है। देख सकते हैं गांव का काफ़ी दिनों के बाद आज हम अपने गांव में आए हुए हैं। देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस तरह का है। और दोस्तों देख सकते हैं अभी 8 बज चुके हैं, धूप भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धूप निकल चुके हैं, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी इस जगह मेरे गाँव में। और हम अभी आए हुए हैं गाँव, घर के बाहर निकल चुके हैं, निकले हुए हैं अभी, क्योंकि देख रही है पानी टंकी है। देख सकते कुछ गाँव का इस तरह का नज़ारा मेरे गाँव का है। और दोस्तों अभी फटाफट जल्दी से स्नान करके हम लोग निकलने वाले हैं पूजा की तैयारी में, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा जो भी आसपास से कलेक्शन करना गाँव में कलेक्शन करना है। कलेक्शन करने के बाद सामान लाने के लिए मार्केट जाएंगे, अभी स्नान करने के बाद देवी स्थान भी जाएंगे वो लोग। देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी चलिए दोस्तों अभी स्नान करके आप लोग से मिलते हैं। फाइनली दोस्तों हम स्नान कर लिए हैं, स्नान करने के बाद अभी जा रहे हैं देवी स्थान, जो कि सावन की पुजाई हो रही है और कुछ देर में स्टार्ट होने वाली है पूजा। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, जा रहे हैं गांव के बाहर में देवी स्थान पड़ता है, मंदिर है जो कि वहां जा रहे हैं, पूजा होगी। और अभी हम लोग देख सकते हैं आप दोस्तों, देख सकते हैं कि किस तरह का हरा भरा बगीचा है। और इसी रास्ते से हम लोग देवी स्थान जा रहे हैं। चलिए आप लोग को देवी स्थान दिखाते हैं, किस तरह का देवी स्थान है, जो वहाँ सावन की पुजाई की तैयारी चल रही है। दोस्तों अभी हम लोग मंदिर पर पहुंच चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं, देखते हैं ये जो मंदिर ये देख रहा है बना हुआ जो दिखाई दे रही है आपको, ये राधे कृष्ण जी का मंदिर बन रहा है। और सामने में जो दिखाई दे रही है वो देवी जी का मंदिर, इसी जगह पुजाई होगी, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये रोड हुआ, रोड के नीचे में ये देवी जी का मंदिर बना हुआ है। और ये अभी उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है, अभी बारिश के कारण अभी काम बंद पड़ गया है, इसलिए अभी रोक दिया गया है बारिश के कारण। और बारिश जैसे ख़त्म होगी तो राधे कृष्ण जी का मंदिर बने। तो हम लोग देवी स्थान पहुंच चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं प्रसाद बनने की तैयारी चली आई, देवी स्थान मंदिर हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सामने भी देख सकते हैं कि प्रसाद बन रही है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, दोस्तों देख सकते हैं कि देवी स्थान का मेन गेट हुआ, जो कि पेंट किया जा रहा है, देख सकते हैं पेंट भी कर रहे हैं लोग। और इधर देख सकते हैं सौरभ भाई, जो कि अभी चून मिला रहे हैं अभी। और इधर देखिए प्रसाद की तैयारी जबरदस्त चल रही है, क्योंकि पूजा कुछ देर में चालू होने वाला, इसलिए प्रसाद बनाया जा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। और हम लोग अभी पेंट किए देवी स्थान का गेट का, और पेंट करके अभी और आगे भी काम है, जो कि काम करेंगे। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा है। देवी स्थान के आसपास में बर बगीचा लगाया गया है, जो कि यहाँ पर कई लोग आके बैठते हैं, पूजा पाठ भी इस जगह होता है। हम देख सकते हैं नीम का पेड़ है, हम देख सकते हैं ऊपर खीर के लिए दूध गर्म किया जा रहा है, हम देख सकते हैं दोस्तों। आइए देखिए बिलासिन, जो कि खीर बनाने के लिए चावल लाए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं पूजा चालू हो गई है देवी स्थान में, सावन पूजा। देख सकते हैं दोस्तों सावन की पूजा चालू हो गई है, देख सकते हैं कितने लोग बैठे हुए हैं और प्रसाद वगैरह छोटा छोटा पकड़ के रखे हुए हैं।
देख सकते हो तो सामग्री सारा प्रसाद तैयार हो गई है। देख सकते हैं दोस्तों, एक चून हो गया, इसमें खीर बना हुआ है, खीर तैयार हो गई है, इसमें भी खीर बना हुआ है, ये भी तैयार हो गया है। और देखते हैं, देखिए पंचामृत जो कि है, देख सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों कलश स्थापना हो रही है इस जगह पर। देख सकते हैं दोस्तों, पूजा पाठ चालू हो गई है, आप देख सकते हैं कई लोग, काफी लोग बैठे हुए हैं इस जगह पर, और गांव वाले आने वाले हैं इस जगह पर, देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। जय माता दी।